हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जो मैंने कल या परसों की वीडियो में आपको कुछ बताया था, वो एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजा हुआ वीडियो था। उनके एम्पलीफायर में जो समस्या था, हू बहू वही समस्या मैंने बताया। आज उनका फिर वीडियो आया हुआ है। वो शायद अधिक परेशान थे अपने एम्पलीफायर को लेकर, तो उनके सभी समस्याओं का हल हम कल वीडियो में बताएंगे। आप ज़रूर देखिएगा। आज देख लीजिए उनके एम्पलीफायर में क्या समस्या है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते सर जी, आप वीडियो बनाए हमें, मैं शुक्रिया सर जी। इसे आप ये बताए 012012 आप बताए यहाँ से, ठीक है। मैं इसको 250 वाट बनाने के लिए 2.5 इंच बाबिन 3 नंबर कोर में हमको बनाना है, क्योंकि यही उपलब्ध है। तो यहाँ पे 16 नंबर तार से अगर हम बनाएंगे तो हमको वही 17-18 एम्पियर मिल जाएगा, और 17-18 एम्पियर 012 बन के इधर निकलेगा सर। माइन मगर मैं जो हमारा कंफ्यूज था, जो इसका लिख के वीडियो भेजा था ये है, और लिख के भेजा था इसका, क्योंकि हम ये तो यहाँ से 17-18 एम्पियर हमको मिल गया। अब हमको जो ये माइन ट्रांसफार्मर में आउटपुट, तो इसमें कितना एम्पियर, तो इतने एम्पियर जाएगा, तो इसको कितने नंबर तार डालें, और 12012 बनाना है यानी 12 का, तो इसको कितना टन हम दे, ये भी हमारा 2.5 इंच 3 नंबर कोर में ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर ही उपलब्ध है, हमारे पास 2.5 इंच बाबिन, और कोर हमको मार्केट से लाना है, और तार भी हमको सब मार्केट लाना है। और इसमें तार जो लगेगा तो कितना वजन पड़ेगा, और 2.5 इंच बाबिन में ये 3 नंबर कोर कितना किलो हम लेके आएँ, जो इसके लिए और इसके लिए दोनों 2.5 इंच बाबिन में, यानी चौड़ाई उसको 1.5 इंच और लंबाई 2.5 इंच, जैसे ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ये रहेगा 2.5 इंच, और ये चौड़ाई रहेगा बाबिन का 1.5 इंच, इसका भी इतने, इसका भी इतने, तो इसको कितने टन हम डालें जो इधर, तो आउटपुट आउटपुट ट्रांसफार्मर को, तो हमको ये जाए क्या नाम है, कितना बोल्ट जाए, तो ये ट्रांजिस्टर ये 37-73 बेल का ट्रांजिस्टर पे जाएगा आउटपुट। तो इधर 4 लगे हुए हैं, 2 हमको ये लगाना है, और क्योंकि हमको ये ट्रांसफार्मर सब लाएंगे तो सारा सामान लाएंगे, लगाएंगे 6 ट्रांजिस्टर। अब और दूसरा बात ये जो है, आप बोर्ड के बारे में बताए हैं जो परसों वीडियो में देखे हैं, तो कनेक्शन के बारे में, तो ये हमारा कनेक्शन, ये हमारा बेस और ये टेबल, ये काम नहीं करता है। ये हल्का हल्का से ये काम कर भी लेता है, बहुत मामूली से पता नहीं चलता है टेबल, मगर बेस ज़रा से भी काम नहीं करता है। इसके बारे में कई बार वीडियो हम बताए हैं। तो ये कनेक्शन, जैसे ये हमारा, ये दो रजिस्टर जो लगे हुए, दोनों रजिस्टर आप बताए हैं जो यहाँ से कैपेसिटर से होके आए हैं, ये साइड कैपेसिटर है, तो यहाँ से होके आए हैं दोनों, और दूसरा रजिस्टर का बेस के बीच में लगा हुआ है, और ये क्या बोलते हैं, ये पेप जो छोटा वाला पेप लगा है, तो इससे होके ब्लैक तार, ये ब्लैक तार होके इसके सेंटर के आए हैं इधर, ये सेंटर में इधर, और दूसरा रजिस्टर से होके ब्लैक तार इसके बेस के इस सेंटर में आए हैं, ये देखो ये तार, और फिर एक पेप लगा है इसके बीच में, तो रेड तार यानी लाल तार ये इसके सेंटर पे आया है इधर, ये इस साइड, और ये जो ये टूट गया है अभी, अभी टूट गया ये, तो ये रेड तार इस सेंटर में आए हैं, तो इसका बराबर है, और ये पेप जो लगा है, तो ये चाहे जिस पे लगाइए, इधर लगाइए या बीच में, देखिए बीच में हमने लगा दिया है, इस साइड लगाइए चाहे इस साइड लगाइए, काम नहीं करता है। और ये जो हमारा पीसेड लगा हुआ है टेन के ही शुरू से लगा हुआ था, और हमने निकाल के नया दूसरा लगा दिया, उसको हटा दिया, ख़राब हो चुका था, वो जंग लग गया था, तो इसको एकदम लास्ट में हमें लगा दिया, ये यहाँ पे है, ये लास्ट है, तब यहाँ पे जाके 10 10 10, अरे ये 71 आप बोले हैं, 71 पे इसको जाने के लिए 0.71, तो इसको 0.075 जा रहा है यहाँ पे लगाने पे,
और इधर और बढ़ा दें या बीच में या बीच में कह दें और बढ़ जाएगा इधर और कर दें और ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, यानी सबसे एंड यहीं पे आ रहा है 75। तो 71 करने के लिए क्या करें हम? दूसरी बात जो ये है कनिस्टर 37-73, ये गर्म होता है, यानी थोड़ी देर जब लगाते कन मने हल्का हल्का गर्म होता है, यानी इतना भी हीट नहीं होता है, यानी जितना टाइम बढ़ता जाएगा तो गर्म होता रहेगा, यानी अभी अभी लगाएं तार जैसे चालू करें तो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको कम कैसे करें? और तीसरी बात ये है जो यहाँ पे फर्स्ट, ये पहला फर्स्ट है ये इधर इस साइड में पहले के लिए, और ये दूसरा है इसके साइड में लिए, और तीसरा इसका और चौथा इसका। तो इस पे जब मैं बोल्ट चेक कर रहा हूँ तो इस पे 10 आ रहा है, तो 10 इसको जा रहा है, इससे इधर जैसे बढ़ते हैं तो किसी में 10 आ रहा है तो किसी में 11, किसी में 12 ऐसे आ रहा है। तो ये 12 जिसमें ज़्यादा आ रहा है उनका ये ज़्यादा हीट होता है, और ये कम वोल्टेज जिसमें जा रहा है वो कम हीट हो रहा है। तो यानी हीट हो रहा है चारों, मगर किसी में कम ज़्यादा, मगर यहाँ वोल्ट कम ज़्यादा क्यों हो रहा है सर जी? तो क्या इसको बदल दें? ये ख़राब हो चुका है क्या? अब अगर बदले तो कितना 1 ओम 5 वाट में लगाए दूसरे, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो ये नहीं मिल पाएगा, हमारे यहाँ ये मिल पाएगा जो सीमेंट वाइट वाला आता है, वाइट वाला जो 37 उसमें 5200 में लगता है वो मिल पाएगा, तो क्या उसको लगाए? या अगर ये सही है तो इसके लिए क्या करें सर, ये बताइए।